हरियाणा की सियासत में कुलदीप बिश्नोई एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें मुकद्दर के हाथों कई बार मात मिली है। कुलदीप बिश्नोई ने संघर्ष की पॉलिटिक्स की, लेकिन वो सफलता के उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जहां वो पहुंचने की हसरत रखते थे। मजबूरियों के चलते उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी और बेटे भव्य बिश्नोई को MLA बनाने के लिए अपनी विधायकी का त्याग करना पड़ा। कुलदीप बिश्नोई अब अपने बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अब BJP के सिस्टम में खुद को ढाल चुके हैं और वो BJP के प्रति समर्पण भाव से लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अब राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर BJP को बड़ा फायदा पहुंचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई BJP के निष्ठावान नेता बनकर हाईकमान को खुश करने के प्रयास में लगे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई मंत्री बन जाएं। कुलदीप बिश्नोई की सोच में कुछ खराबी भी नहीं है। हर पिता चाहता है कि उसके बेटे को तरक्की मिले। भजनलाल की सियासत के वारिस कुलदीप बिश्नोई ने अब अपनी सियासत को बेटे भव्य बिश्नोई को सौंप दिए हैं और वो बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाकर अपनी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई जान चुके हैं कि जब तक BJP हाईकमान राजी नहीं होगा, तब तक वो बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनवा पाएंगे। 8 महीने तक इंतजार करने के बाद कुलदीप बिश्नोई को समझ में आ गया है कि उन्हें BJP के सिस्टम के अनुसार ही अपनी फरियाद ऊपर तक पहुंचानी होगी और इस फरियाद के हक को हासिल करने के लिए पहले उन्हें राजस्थान में BJP के लिए मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा। अभी नवंबर दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ पर लगभग 40 सीटों पर बिश्नोई वोटों का डिसाइडिंग फैक्टर है। बिश्नोई वोटरों की इस डिसाइडिंग संख्या के आधार पर ही कुलदीप बिश्नोई अब BJP के हाईकमान को खुश करने की कवायद में जुटे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई BJP के लिए लगातार वहां पर प्रचार कर रहे हैं और वहां पर BJP को मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को इस बात का पता है कि उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। उन्हें बिश्नोई बहुल सीटों पर BJP को विजयी बनाना होगा। कुलदीप बिश्नोई इसलिए चाहते हैं कि बिश्नोइयों को OBC में शामिल किया जाए। कुलदीप बिश्नोई अपने पिता भजनलाल की तरह बिश्नोई समाज के सबसे बड़े चेहरा बनना चाहते हैं। बिश्नोई समाज ने उन्हें आगे भी किया हुआ है और वो बिश्नोई समाज के भले के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर बिश्नोई समाज को OBC कैटेगरी में डालने की मांग कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए इस समय बिल्कुल अनजाने से हालात हैं। BJP के सिस्टम में जाकर उन्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी, उन्हें फ्री हैंड नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें पसीना जरूर बहाना पड़ेगा। कुलदीप बिश्नोई को BJP राजस्थान के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है। BJP भी जानती है कि भजनलाल परिवार का राजस्थान के बिश्नोई वोटरों पर बड़ा असर है और ये असर ही उन्हें राजस्थान में लगभग 2 से 3 दर्जन सीटों पर जीत दिलवा सकता है। इसलिए कुलदीप बिश्नोई को BJP ने फिलहाल राजस्थान में एक्टिव कर दिया है और उन्हें वहाँ पर लगातार एक्टिव होकर BJP के पक्ष में काम करने के लिए कहा गया है। कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई के मंत्री बनने पर ही उनकी इच्छाएं, उनके अरमान पूरे होंगे, इसलिए वे BJP हाईकमान से जहाँ अपने समुदाय के लिए OBC की कैटेगरी मांग रहे हैं, वहीं बेटे भव्य बिश्नोई के लिए भी मंत्री का पद मांग रहे हैं। भजनलाल परिवार की सियासत के लिए भव्य बिश्नोई का मंत्री बनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर ही बिश्नोई परिवार ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। अगर बिश्नोई परिवार को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया गया, तो 2024 के चुनाव में भव्य बिश्नोई के लिए जनता के बीच में जाकर वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा कि उन्हें सत्ता में BJP ने हिस्सेदारी क्यों नहीं दी। राधमपुर के लोगों से 26 साल के वनवास के बाद सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर ही बिश्नोई परिवार ने जनता से वोट मांगे थे और जनता ने भी उन्हें 15,000 से ज़्यादा वोटों की जीत दिलाकर अपना फर्ज अदा किया था। अब बिश्नोई परिवार भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाकर इलाके के विकास कार्यों के अलावा अपने पूरे प्रदेश के समर्थकों को अपने साथ एकजुट रखना चाहता है। अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया गया, तो 2024 के चुनाव में जहाँ भव्य बिश्नोई की जीत पर खतरा मंडरा जाएगा, वहीं पूरे प्रदेश के भजनलाल के समर्थक भी कुलदीप बिश्नोई से छिटक जाएंगे और वो कहीं ना कहीं पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस की तरफ रुख कर लेंगे, क्योंकि BJP के अंदर
बिश्नोई समर्थकों को अभी तक वो तवज्जो नहीं मिली है, वो सम्मान नहीं मिला है, वो एंट्री नहीं मिल रही है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री बना दिया गया तो ये सारे समर्थक कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के साथ जुड़े रहेंगे, और अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर उनके समर्थकों के बीच में बेचैनी बढ़ जाएगी और भव्य बिश्नोई की जीत के ऊपर भी बड़ा सौलिया निशान लग जाएगा। कुलदीप बिश्नोई इन दोनों ही मसलों की गंभीरता को समझते हैं, इसलिए वे बीजेपी के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाते हुए अपने बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनवाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाने की हरी झंडी कब दिखाता है। इस मामले में जितनी देरी होती जाएगी उसका नुकसान बीजेपी को भी होगा, क्योंकि बीजेपी बिश्नोई परिवार के बलबूते पर राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी 4-5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। कुलदीप बिश्नोई की अहमियत को बीजेपी को समझना होगा, क्योंकि उनके जरिए पूरे प्रदेश में 1-2% वोटों पर बीजेपी अपना प्रभाव डाल सकती है, अपना वोट बैंक बढ़ा सकती है। अब देखने की बात यही है कि भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की ख्वाहिश को, अरमान को, मन्नत को बीजेपी पूरा करने का फैसला कब लेती है। भव्य बिश्नोई के मंत्री बनने की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।